हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेनिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है सक्सेस जो है वो ओवरनाइट कभी भी नहीं मिलती उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सवा नौ बजे से लेकर के साढ़े तीन बजे तक लाइव मार्केट में रहते हैं मैं उनके साथ रहता हूँ उनको सपोर्ट करता हूँ एंड सीखने के बाद आपको फिर वो अगेन रिपीट करते हैं जो नए स्टूडेंट है उनकी हेल्प करते हैं मीन हम एज ए फैमिली है तब जाकर के ग्रोथ मिलती है मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती एंड से किसी का भला नहीं हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेहनत करनी पड़ेगी एंड आप हमें क्यों ज्वाइन करें मैं किसी को कभी भी ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलता मैं हमेशा बोलता हूँ आप हमें इसलिए ज्वाइन करें कि आपको एज ए स्कूल की फीलिंग आएगी आपको टाइम मिलेगा सीखने के लिए ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रैटेजी दे, दे देंगे प्योर प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा एनालिसिस सीखने को मिलेगा और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है और आप सीरियस लर्नर हैं आप सीरियसली सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट तो आप आइए उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हर दो महीने में हम एक बार बैच करते हैं बार बार नहीं करते हैं और लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं तो आप एज ए हार्ड वर्किंग है और आपको टाइम आपके पास है कि आप टाइम देना चाहें शॉर्टकट नहीं चाहते तो आप आइए आप डेफिनेटली यहाँ से अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छा विदाउट एनी इंडिकेटर्स, से कभी कुछ नहीं होता। चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, okay, तो हम क्या करते हैं? इस वीक का, का पूरे वीक का निफ्टी, निफ्टी, निफ्टी बैंक तो है तो वीकली कैंडल को देखेंगे है? वीकली को तो आपका प्राइस कंटिन्यूसली एवरी कैंडल जो है क्लोजिंग प्रीवियस के क्लोज के ऊपर आ रही मिस प्राइस कंटिन्यूस में क्लियर है वाली बात प्राइस में okay. so, में ओके आपके पास तीन इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ठीक है वीकली का यह चार्ट क्या कर रहा है आप अगर देखोगे तो वीकली का चार्ट यह ऐसा दिख रहा है ठीक है अब डिफरेंस देखना बैंक निफ्टी का वीकली का चार्ट देखना कुछ अलग है ना अच्छा बैंक निफ्टी के चार्ट में बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी क्या कर रहा है लास्ट फोर आप ऑलमोस्ट देखोगे कि लास्ट तीन वीक से कैंडल के अंदर कैंडल की क्लोजिंग है है क्लियर निफ्टी की लास्ट तीन वीक से क्या है कंटिन्यूसली ऊपर क्लोजिंग है मैं इस चीज को जो आपका लेकर के एंट्री को जो हम रिलेट करते हैं कि डॉट टू डॉट एक साथ बॉक्स बनके ऐसे एक साथ दिखेगा वन वे डायरेक्शन वहीं पे एंट्री हो जाएगी वो चीज अभी आगे वाली क्लास में बताऊं अभी दो चीज हो गया नेक्स्ट बैच वाला हो गया, ये वाला हो हो गया गया ये मतलब आप इस साइड आएगी बेसिक क्राइटेरिया हो गए पांच छह पॉइंट हो गए फुलफिल एंट्री बस कुछ नहीं करना करना ही नहीं मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगा सिंप, बहुत ही सिंप्लीफाइड वो प्रोसेस चल रहा है ठीक है तो अब फिन निफ्टी का चार्ट देखो फिन निफ्टी क्या कर रहा है फिन निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सेम कैंडल सिमिलर ठीक है अब बैंक निफ्टी इंपोर्टेंट है बैंक निफ्टी में हुआ क्या है जैसे मैं वो एक एनालिस आपको एक एजुकेशन वाला वीडियो बनाया था टेलिंग टॉप वाला बनाया था ना तो वीकली के अंदर बैंक निफ्टी बेसिकली हो क्या रहा है? टेलिंग टॉप बन रहा है ना? और यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक भी हुआ है। मतलब क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग भी आई है आई है ना तो बेसिकली ये एरिया मतलब आप प्राइस स्ट्रक्चर वाइज अगर देखोगे तो वीकली के यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्राइस ऊपर गया यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया यहां से नीचे आया ठीक है और यहां से काफी ऊपर चला गया ठीक है इसका अगर वीक देखो आपके जो आपके प्राइस के बैलेंस इनबैलेंस हर टाइम फ्रेम के अलग अलग होते हैं क्योंकि ट्रेंड एंड वे होता है उसके अंदर आपका वीकली का अलग होगा तो वीकली का बेसिकली प्राइस का बैलेंस ये है, ठीक है ये, ये एरिया है ठीक है तो वीक प्राइस जो है अपने अपने जोन से काफी है है ना इन बैलेंस है तो यहाँ पे अगर नेगेटिव प्राइस होता है तो जैसे मैंने आपको बोला था आ, 51950 के नीचे क्लोजिंग यहाँ पे इसके दो जोन है एक यहाँ पे पे ओवरलेप कर रहा प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ वीकली के बड़ी पिक्चर समझ रहा हूँ ऐसे क्योंकि तो तो आपका पहला टारगेट तो यही आपका इक्यावन 200 से लेकर 50 आठ सौ के बीच का टारगेट है क्लियर है क्योंकि प्राइस यहाँ पे ओवरलेप कर रहा है क्योंकि प्राइस ने जहाँ पे ओपन हुआ था वहां से इसका प्राइस ने वन वे ब्रेकआउट किया एंड वापस वहां पे नीचे आया तो वहां पे कुछ गैप्स है इट इज ओवरलेपिंग ठीक है विक ओवरलेप कर रहा है एक जोन ये है और ये तो ओरिजिन है ही ना ये जो मार्क किया तो बैंक निफ्टी टॉप पे

क्लियर है ऐसा पॉसिबल है एंट्री देने के लिए डेली फोर आर ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेगी और इस वीक बेसिकली हमें तो इस वीक का सिनेरियो समझना है तो ये तो, uh, के के तो ये ओवरऑल एक मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पिक्चर होगी अब वीकली के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका लिक्विड जो है स्विंग हाई है करंट करेंट uh, मतलब इस रेंज के अंदर ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट एक स्विंग है प्राइस इसके अंदर यह

तो आपको डेली में देखा तो डेली में देखा तो डेली में अगर आप पिक्चर को देखोगे तो वही जो मैंने आपको बोला वही पिक्चर है कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट स्विंग प्राइस हुआ क्या है प्राइस इस एरिया से ये जो एरिया है यहां पे प्राइस ने क्या क्रिएट किया है यहां पे कंसोल यहां पे प्राइस कंसोलिडेट करके कंसोलिडेट करके, करके ये एरिया इनबैलेंस क्रिएट किया है प्राइस के अंदर एक इनबैलेंस मूव हुआ है देखा ये इनबैलेंस मूव यहां पे जब प्राइस वापस आया यहां पे प्राइस बैलेंस हुआ है वन देखो डिमांड एंड सप्लाई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड आईसीटी ये सब चीजें एक ही चीज है कोई फर्क नहीं है यही तो होता है कि मैं जो बोलता हूं किसी भी वेव के हाई टूटने पे आपको बाय नहीं करना किसी भी वेव के लो टूटने पे सेल नहीं करना यहां पे कोई जोन होगा वहां पे करिए या फिर कोई जोन होगा यहां पे करिए

प्रैक्टिकली चार्ट पे प्रूफ करके कर दिखा दूंगा कुछ है नहीं ना सब कुछ तो वही है सब कुछ तो T1, T2 ही है बेकूफ बनाने का तरीका और कुछ नहीं है मैं बनाऊंगा रिसेंटली अब अभ, अभी जल्दी बनाऊंगा इसके ऊपर पूरे प्रॉपर प्रूफ के साथ कि आपका चीजें सब एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है इंडिकेटर्स काम नहीं करते वो बेकार की चीज है वो सब चीज छोड़ दी मतलब

जिए जिए जो वीक छोड़ के आए पूरा एरिया ये तो, आप वन ट्वेंटी तो क्या हो रहा है प्राइस बेसिकली ठीक है अगर हाँ एक चीज मैं ये बोलता हूँ ठीक है ये कैंडल अगर ऐसी यहीं पे क्लोज होती है ध्यान से समझना मेरी बात ठीक है और इस कैंडल के फिर हाइज अगर निकलता है

तो भी स्ट्रेंथ इसके जब बफर के साथ हाई निकल जाएंगे तो बैंक निफ्टी में अच्छा मूवमेंट आएगा नहीं तो ये आपका ये रेंज होगी ये वाली डेली की मतलब तो इंट्राडे के अंदर ये तो वीकली की ये रेंज है यहां तक इसके हाई निकलने के बाद अब इसका हाई निकल जाएगा तो अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा बेसिक बात तो ये है कि जब भी स्ट्रक्चर जब ब्रेक हो जाता है स्विंग हाई ब्रेक हो जाता है तो जो स्विंग हाई ब्रेक होता है अगर वहां पे कंसोलिडेट है तो ये जोन है या फिर यहाँ पे जो प्राइस आई है ओरिजिनल जिसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं

ये रेंज होगी अब यहां पे देखेंगे पहले दो वीक ऊपर पहले आजकल में ऊपर जाता है क्योंकि अभी अगर ट्वेंटी फाइव मिनट में देखोगे तो वाइड रेंज कर्नल बनी तो वाइड रेंज कर्नल का अगर देखो ना देखो बनी है ना बड़ी बड़ी कैनल बन रही है तो पहली बात तो ये ये जो इसकी हाईएस्ट क्लोजिंग है ना ये वाली अगर देखोगे व्हाइट कर्नल आपका इस इस साइड की हाईएस्ट क्लोजिंग है ये तो इसको ही पार नहीं कर पा रहा तो आपके लिए तो ये रेंज होगी ना पहले तो सप्लाई एरिया क्लियर है तो इसलिए मैं ये बोल रहा था कि 125 की जो कैंडल है स्विंग टू मार्केट स्ट्रक्चर को जब समझना होता ना तो आपको ना आप क्या करो जैसे आपका जैसे में मार्केट है ठीक है इसके नीचे का मोस्ट इंपोर्टेंट स्विंग पॉइंट कौन सा जहां से मार्केट उठा वो देख लो उससे नीचे का एक और ये देख लो ठीक है उसके बाद हाईएस्ट देख लो अब क्या कर दो आप ये वाला ऐसे सर्कल मार्क कर दो मतलब ये सर्कल ऐसे मार्क हुआ ना सारी लाइनें डिलीट कर दो ठीक है एक मिनट देख दिया तो ये सर्कल आपका ऐसे मार्क हुआ था ना ये वाला सही हुआ था तो इट इज मार्केट स्ट्रक्चर फॉर डे ट्रेडिंग इसी के अंदर लिक्विड स्ट्रक्चर है और आपका प्राइस यहां से गया था यहां पे कंसोलिडेट किया था ऊपर गया या यहां आया से गया ठीक है उसके उसके बाद अंदर छोटे-छोटे छोड़ माइनर है ऐसे ऐसे आपका एक लिक्विडिटी स्ट्रक्चर है यही है ना यस इट इज ओवरऑल अगर आप इसको देखोगे mm. इसको बोलते हैं ओवरऑल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर और एंड ऑफ दैट इज जो सब कुछ है वो मार्केट स्ट्रक्चर है मार्केट स्ट्रक्चर पर मैं एक बहुत ही अच्छी आपको एडवांस अभी लिक्विडिटी स्ट्रक्चर से कंबाइन करके दूंगा तो ये जो ये जो इसके अंदर जो ये ये स्विंग्स है ये स्विंग्स है ये है देखो ऐसे देखने में कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना तो ये सारे माइनस स्विंग्स हैं

समझ में आया जी सर जो स्ट्रोंग नहीं है उसको हम क्या करते हैं हम क्रॉस मार्क कर देंगे क्लियर है एक लिक्विडिटी स्ट्रक्चर इधर था ये था ये था ना यहां पे ब्रेक किया तो यहाँ पे ये यहां पे ब्रेक किया तो ये आपका हिडन ये कैंडल हिडन डिमांड जो होगी ये वाली कैंडल होगी ना यस yes. ठीक है तो यहां पे हम ओके okay कर देंगे स्ट्रॉन्ग है क्लियर है तो उसके बाद लिक्विडिटी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर गए ठीक है तो प्राइस ने क्या किया इसके नीचे आया ऊपर गया अगेन इस, इसके लो ब्रेक किया लेकिन प्राइस वहां बैलेंस हो गया मतलब प्राइस स्ट्रक्चर में कंटिन्यूसली लो ब्रेक कर रहा था लेकिन मेन ओरिजिन से प्राइस उठ गया ठीक है तो ये तो ये तो आपका वैलिड था ना तभी तो उठ गया प्राइस यहाँ पे तो ये भी आपका फिर ट्रेड के लिए ठीक है रे ट्रेड के लिए ठीक है तो इसलिए प्राइस जब वापस आया अभी तो, तो खर प्राइस फिफ्टी परसेंट पे उठा था लेकिन प्राइस थोड़ा और नीचे आना था तब ज़्यादा अच्छा होता मतलब से, से प्राइस था तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या कहता प्राइस की प्राइस अब देखोगे प्राइस तो प्राइस इस स्ट्रक्चर के ऊपर भी अगर आप देखोगे ध्यान से देखना ये जो आपका स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोज दिया गया मतलब मैं डेली से नीचे तो क्लोजिंग मानता ही नहीं ना डेली के नीचे तो मैं क्लोजिंग मानता ही नहीं उसकी वैल्यू ही नहीं है कोई डेली से नीचे का एनालिसिस की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर नहीं आता तो क्योंकि जो वैल्यू है वो डेली और वीकली की है तो ये ये इसलिए क्या है इस रेंज के अंदर बार बार इसके अंदर क्या आ रही है रिजेक्शन रिजेक्शन आ आ रही है, आ रही है है सेलिंग अब हुआ क्या अब ये चल कहां से रहा है इंपोर्टेंट है ये जो चल रहा है इस लिक्विडिटी स्ट्रक्चर से चल रहा है जहां पे ऑलमोस्ट प्राइस थोड़ा सा ओवरलेप कर गया वहीं से प्राइस उठा है ये ये मैं थोड़ा जो उठाएवलेप कर जानता ना वो बहुत इंपॉर्टेंट ओवर वाले जो काम करते हैं सब सबसे ज्यादा जैसे अभी मैं न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को सिखाऊंगा पहले कि न्यूयॉर्क सेशन में और न्यूयॉर्क सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरलेप का आपको बताया सेपरेट बनाऊंगा सिर्फ उसी ओवरलेप के ऊपर तो यहाँ पे जो प्राइस का हाई बनाया था और इधर यहाँ पे कंसोल्टेशन के बाद प्राइस जो ब्रेक किया ठीक है तो बेसिकली ये ओवरलेप है देखा जाए देखा जाए तो ओवरलेप पूरा एरिया ये है है ठीक पर इतना मार्क नहीं होता तो इस इस साइड का अगर आप देखोगे स्विंग देखोगे तो ये आपका ओवरलेप एरिया है क्लियर क्योंकि यहाँ पे इसको इन डिसीजन होने के बाद प्राइस ने ब्रेक किया तो ये इस कैंडल का आपका लोएस्ट पार्ट मार्क होगा है ना इन डिसीजन होने के बाद ही तो ब्रेक किया ना

बावन दो सौ दस फाइव टू टू वन जीरो इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो प्राइस जो है इसका भी हाई निकाल देगा कितना मैं एक बोल रहा हूं इसका हाई कितना है फिफ्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड मतलब फिफ्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड से लेकर के ऊपर का खुला नीला आसमान है कितना भी जा सकता है ये टारगेट आ सकता है लेकिन इसको सस्टेन होना कहां पड़ेगा फाइव टू टू वन इतनी देर लगी है चीज एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है ना चीजों को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है तो फाइव टू फाइव टू टू वन जीरो अब ये लेवल कैसे निकला ये प्राइस सेक्शन को समझा तभी निकला ना सर सर फाइव टू फाइव टू सिक्स जीरो टू है ठीक है हाँ कोई बात नहीं कॉमन रेट तो होता है फाइव है तो फाइव टू सिक्स जीरो मतलब पॉइंट अराउंड ऐड कर तो फाइव टू सिक्स जीरो क्या फाइव टू सिक्स जीरो होगा नीचे की साइड मैंने ऑलरेडी बार बार बोला हूं फाइव वन नाइन फाइव जीरो भी ऊपर या नीचे क्लोज हो जाएगी उधर बैंक निफ़ट जाएगा क्लियर है ये क्या है ये क्लोजिंग बेसिस पे डिसीज़न्स है क्या है क्लोजिंग बेसिस पे आपके एक मिनट तो आपके क्लोजिंग बेसिस पे क्या है डिसीज़न्स है क्लोजिंग बेसिस सर। पे तो क्या हो क्या रहा प्राइस इन लेवल से है ना ऊपर नीचे निकल तो रहा है ऐसे

तो सबसे पहले तो यही ब्रेक करेगा मतलब फिफ्टी वन थाउजेंड के अराउंड ठीक है तो आपका चल कितना रहा तो, मतलब 1500 पॉइंट आपको ऊपर या नीचे का मूवमेंट देखना है इस वीक तो आपको इन दोनों लेवल्स के ऊपर या नीचे डेली की कैंडल क्लोज चाहिए क्लियर है वीकली का एनालिसिस है बस उसके बाद खुला नहीं लगा आसमान मतलब पहला बेसिकली ये लेवल है यहाँ रुकने का लेवल है यहाँ ऊपर की साइड खुला नहीं आसमान नीचे रुकने का लेवल है नीचे और भी रुकने का लेवल है क्योंकि वहां से प्र... ये ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है जो आपको मैं मार्क किया ना अभी ये वाला ये आपका हिड एंड डिमांड जोन है ये वाला नेगेटिव जो कि फिफ्टी का लेवल है

नहीं नहीं मैं, मैं इवनिंग में बताऊंगा और आ, आपके आ, बाईस ट्रेडिंग सेशन में से आप आपके बारह तेरह ट्रेडिंग सेशन है ना वो श्योर शोर जो ट्रेड मिलेंगे ना जितने भी पॉइंट्स के मिलेंगे वो ले लेना ठीक है फोर पे भी वो क्योंकि मार्केट इंस्टीट्यूशन का अब इंस्टीट्यूशन का बदल गया है मतलब तो इंस्टीट्यूशन को पता है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट डिमांड सप्लाई एंड आईसीटी पे, पे बहुत लोग बहुत ज्ञान दे रहे हैं है ना तो अगर वो दे रहे हैं तो इंस्टीट्यूशन को तो पता है ना जो चीज जो चीज पे अवेलेबल है वे इंस्टीट्यूशन तो उससे ऊपर है ना तभी तो मार्केट चल रहा है सिंपल सी बात है ना पे जो भी अवेलेबल एंड बुक्स में जो अवेलेबल है इंस्टीट्यूशन को ट्रिप करेंगे बेसिकली तो एक ऐसा सीक्रेट लेवल है कंबाइंड तो करके वो मैं आपको बता दू वहां से मार्केट नॉर्मली वहीं से ही उठता है मैक्सिमम टाइम क्योंकि वो जोन से पहले जोन से जोन के इधर उधर होता है ना वो तीन चीजें ऐसी है कि जो कोर्स आपकी एंट्री जो ना है हजार गुना पावरफुल करा देंगे तीन चीजें करके आपको तीनों के तीनों बताऊंगा तीन, पहले में इतना टाइम नहीं लगेगा वो आज ही बता दूंगा दूसरी में मतलब दो तीन दिन अलग से पढ़ाना पड़ेगा ठीक है में आपको वन वीक पढ़ाना पड़ेगा मतलब उसमें दस एक दिन का टाइम मुझे अलग से चाहिए वो आपको पढ़ने के लिए मैं कर दूंगा बट मैनेज कर दूंगा तो तक पूरा कंप्लीट कर दूंगा okay. ठीक है मतलब ये तीनों चीजें अक्टूबर वाले बैच तक मैं फिनिश कर दूंगा एक एक करके बतानी पड़ेगी ठीक है तो निफ्टी तो जो चल रहा है वही है अगर 25 मिनट में देखोगे तो क्या निफ्टी में निफ्टी भी कुछ निफ्टी तो रोज कंटिन्यू कर रहा है जहां से चल रहा है ठीक है बट यहाँ पे निफ्टी में एक चीज जरूर देख लेना इसके ऊपर क्लोज कर गया और ये नाइनटी डिग्री से भी जा रहा है और एक चीज अच्छी है बट ये यहां से उठ के गया ठीक है यहां से उठ के गया ठीक है तो आज ज्यादा ज्यादा ये से आएगा फिर हो जाएगा फिर मूव कर जाएगा तो ट्रेड करने का कोई मजा ही नहीं है इसके अंदर ठीक है पचास तो मिनट की रेंज वाली स्टोरी बताऊ आपको मैं बढ़िया वाले तो अगर आप देखोगे तो क्या है इसका कुछ खास अचीवमेंट नहीं है पच्चीस मिनट देखोगे तो इसका इंट्राडे बोल रहा हूँ वीकली का तो खैर जो चल रहा हुई है वो इसका कुछ अचीवमेंट नहीं है हाँ ये कैंडल अगर यही क्लोज हो गया पूरे नीचे तक नहीं आई तो इसमें पता चलेगा अगर ये कैंडल पूरी नीचे इंट्राडे में अगर ये पूरी नीचे तक नहीं आई मीन बाइंग बाइंग है और उसके बाद अगर हाई निकलता तो अगली कैंडल फिर ग्रीन देखने को मिलेगी वो अगर ऐसा हुआ तो अगर कैंडल ही नी पूरी नीचे आ गई तो फिर खत्म हो जाएगी इसका सारी स्टोरी ओके इसको छोड़ देते हैं अंदर अगर हम देखेंगे तो वीकली का सिंपल देखो ऐसा है पॉजिटिव स्ट्रक्चर में क्या करता है एवरी डिपिच बाई अपॉर्चुनिटी बस इसके अलावा कुछ नहीं है एवरी डिपिच बाई अपॉर्चुनिटी वीकली का ही है ठीक है हाँ नेगेटिव अगर प्राइस सेक्शन होगा तो मैं डेली बताता हूं अगर होगा डेली में कुछ मुझे दिखता है जैसे डेली में अभी तक तो कुछ दिखा नहीं है

और ये सब चीजें समझने के बाद जब आप समझते हो और आपको लगता है कि सर को यूज़ करना है, तो आप क्या कर सकते हैं आपको मैंने दिया, इन पे आप एक बार बैच करते हैं और लिमिटेड स्टूडेंट को लेते हैं तो वहां से आप सीख सकते हैं आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस फ्यूचर में अपलोड कर रहा हूँ कंटिन्यूसली कर रहा हूँ और आपको नहीं तो आपके वो मिस हो जाएंगे और नोटिफिकेशन आएगा आप वो वीडियो देख लीजिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा थैंक यू सो मच